सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने गुड्डू खान का हत्यारा अलोक कुरैशी को पाटन के सहदेवा जो उसका ससुराल था वहां से धर दबोचा। प्रेस वार्ता कर पुलिस उपाधीक्षक संदीप गुप्ता ने बताया कि मृतक गुड्डू खान मिंटू रंगसाज साबिर के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करते थे। जमीन के कारोबार से जो पैसा मिलता था उस पर गुड्डू खान अपना हक जमा लेता था और अपने सहयोगियों को मात्र खर्चा के लिए पैसा देता था। इन लोगों को आश्वासन दिया था कि डॉक्टर राहत निजाम रोड के पास का जमीन बिक्री करने के बाद देंगे। उस जमीन पर अली कुरैशी अपना दावा करता था। इसी कारण अली कुरैशी एवं गुड्डू खान के बीच 3-4 बार मारपीट भी हुई। फलस्वरूप गुड्डू खान की हत्या अली कुरैशी ने कर दी। वहीं गिरफ्तार अली कुरैशी ने बतलाया कि मृतक गुड्डू खान के जमीन कारोबारी सहयोगी मंटू रंगसाज साबिर एवं अमित कुमार पैसा के लेन देन से नाराज चल रहे थे, जिनके द्वारा यह बतलाया गया कि गुड्डू खान उनकी हत्या करवाना चाह रहा है। इस बात की जानकारी होने पर उन लोगों को पैसा देने का प्रलोभन देकर इनके कहने पर ही योजना अनुसार गुड्डू खान की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि अली कुरैशी पूर्व में भी 2002 में अपने फुफेरा भाई बबलू कुरैशी की हत्या कर जेल गया था एवं आजीवन कारावास की सजा काटकर 2019 में बाहर निकला था। फिलहाल अली कुरैशी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया और शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।